हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अमर शेख। में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन 2 है। और ये प्रश्न 1 के सब उपयुक्त प्रश्न 1 के दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र द्वारा उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब ये चारों क्वेश्चन है उसके, और उसी को हम इसमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 हम पहले सॉल्व करें। 2x² - 7x + 3 = 0, ये हो गया। अब इसी को हम और इसका हम पहले या a = 2, b = -7 और c = 3, ये निकल गया। क्योंकि d = b² - 4ac को पहले ही बता दिए हैं ये। तो अब b हमारा है -7 का होल स्क्वायर, ठीक है, -7 का, अब माइनस 4 × 2, a है 2, अब b है 3, और ये हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 7 का 49 हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा ये 24, अब बराबर ये हो जाएगा 25। इसलिए d बड़ा है 0 से। अगर d बड़ा है 0 से तो ये हमारा अतः मूल जो है मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। अब इसमें जो है, अब इसका हम सूत्र से हम निकालेंगे। तो सूत्र से इसलिए x = -b + -√d अब बटा 2a, ठीक है। इसमें हमको क्वेश्चन में ही बोला है हमको सूत्र से निकाल लें। और ये आपको हम मेन पॉइंट जो शुरू में हम एक्सरसाइज के शुरू में मेन पॉइंट बताए थे उसमें हम ये क्वेश्चन का जिक्र किए थे। और इसमें माइनस है तो माइनस हो गया, और माइनस बी का मान है -7, तो -7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी हमारा क्या निकला है, ये है 25, तो जो डी हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू ए क्या है 2, तो 2 यहाँ हो जाएगा, और 7 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, अब प्लस माइनस रूट 25 का मान हो जाता है 5, तो ये हो जाएगा 5, अब बटा 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार अल्फ़ा निकाल लेंगे और एक बार बीटा निकाल लेंगे। तो एक बार हम अल्फ़ा लेते हैं, तो अल्फ़ा निकाल लेंगे तो अल्फ़ा हमारा 7, एक बार प्लस ले रहे हैं तो 7 + 5/4, तो ये हो जाएगा हमारा 12/4 बराबर कट के ये 3 हो जाएगा। और एक बार हम बीटा लेते हैं, तो बीटा निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7 - 5/4 बराबर 2/4, कट के हमारा 1/2 हो जाएगा। ये जो है हमारा, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, एक बार 3, और ये हमारा दोनों मूल हो जाएगा 3 और 1/4। और चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। अब ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2x² + x - 4 = 0, ये क्वेश्चन बी है। इसमें हम क्या करते हैं, ए बराबर हो जाएगा x² का गुणांक 2, बी बराबर हो जाएगा x का गुणांक 1, और सी बराबर हो जाएगा -4, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम चूँकि डी बराबर हमारा होता है b² - 4ac, बी 1 है 1 का स्क्वायर - 4, इंटू ए है 2, इंटू सी है -4, ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, और 4 × 8 = 32 हो जाएगा, और +32 होगा, -32 हो जाएगा, ये 33 हो गया। तो इसलिए डी क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। अगर डी बड़ा है 0 से तो हमारा यहाँ हो जाएगा अतः मूल जो है वास्तविक और असमान होंगे। अगर मूल हमारा वास्तविक और असमान होगा तो हम यहाँ इसलिए x = -b + -√d, ठीक, इसका अस्तित्व है। तो ये हमारा हो जाएगा 2a, ये सूत्र। ये इसमें देखते हैं हम एक्स का मान निकालने के लिए हम माइनस बी हमारा क्या है 1, ठीक है 1 है, और ये हो जाएगा +√d हमारा 33 है, और ये हमारा है 2a हमारा 2। अब यहाँ पे -1 और एक +√33 और बटा 4 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब एक बार हम अल्फ़ा निकालते हैं, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा -1, और अगर प्लस लेना है तो +√33/4, जो हमारा अल्फ़ा निकल गया,
और बीटा हो जाएगा हमारा, और बीटा हो गया हमारा प्लस माइनस वन माइनस रूट 33/4, ये हमारा अल्फा और बीटा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, यही हमारा मूल है। इसमें क्वेश्चन 3 है 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसमें हम मेरा a बराबर हो जाएगा हमारा 4 और b बराबर हो जाएगा 4√3 और c बराबर हो जाएगा 3, ये हमारा हो गया। अब चूँकि b चूँकि d बराबर, ठीक है, d बराबर b² - 4ac, b हमारा है 4√3² अब माइनस 4 * a हमारा 4, b है 3, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 * 3 = 48 हो जाएगा, और इधर 4 * 16 = 3 = 48 हो जाएगा, आइए 0 हो गया। अगर d बराबर 0 है तो क्या होगा हमारा, हमारा जाएगा अतः मूल समान और वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होंगे, और इस अर्थात इसका मूल अस्तित्व है, तो अस्तित्व है तो हमारा लगाते हैं हमारा एक्स बराबर हम निकालते हैं तो एक्स बराबर होता है -b + √d/2a, ठीक है, 2a, और ये माइनस बी हमारा b क्या है 4 और √3, और ये d हमारा 0, ठीक है, प्लस माइनस, और 2a हो गया 2 और a हो गया हमारा 4, ठीक है, ये हो जाएगा -4√3, और एक बार प्लस माइनस 0 लेंगे तो ये हो गया 8, ठीक है, ये हमारा निकला। अब एक बार हम अल्फ़ा निकालते हैं तो यह अल्फ़ा बराबर हो जाएगा -4√3 + 0/8, इसका हो जाएगा -4/√3, जुटेगा 0 जुटेगा 8 हो जाएगा, और एक बार हम माइनस तो बीटा और -4√3 - 0/8 बराबर -4√3/8, मूल देखिए हमारा समान है, 0 जुटेगा या घटेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा दोनों निकल गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन 2x² + x + 4 = 0, ये हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं हम a निकालते थे, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा, c बराबर 4 हो जाएगा, ये हो गया। या क्योंकि d बराबर हमारा होता है a b स्क्वायर और -4ac, b स्क्वायर हमारा है 1 का स्क्वायर, अब -4 * 2 * 4 ये हो जाएगा 1 - 16 = 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -31 d बराबर, तो इसलिए d जो है 0 से छोटा है, मतलब 0 से d छोटा है, तो अतः समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर हमारे समीकरण का अगर वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, अगर मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो हमारा मूल नहीं निकलेगा, और ये वास्तविक भी नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।